और बड़ी खबर यह है कि मेक्सिको और स्विट्जरलैंड में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन शुरू करने वाला मेक्सिको पहला लैटिन अमेरिकी देश है। स्विट्जरलैंड में 90 साल की महिला को दी गई पहली खुराक। स्विट्जरलैंड ने रविवार को ही फाइजर के टीके को दी थी मंजूरी। तो मेक्सिको और स्विट्जरलैंड में आज से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड में पहली खुराक 90 साल की एक महिला को दी गई। मेक्सिको कोविड 19 के लिए वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है। यहाँ हर दिन करीब 12,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन से राहत की उम्मीद है। मेक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल हमेशा लॉकडाउन और मास्क पहनने का विरोध करते रहे हैं। इधर यूरोपीय संघ के देशों में टीकाकरण शुरू होने के कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। यूरोपीय संघ में रविवार से टीकाकरण शुरू होगा। स्विट्जरलैंड के ल्यूक्रेन कैंटन में 90 साल से ज्यादा उम्र की महिला को पहला टीका दिया गया। स्विट्जरलैंड ने कोविड 19 से रोकथाम के लिए फाइजर बायोन टेक के टीके को रविवार को मंजूरी दे दी थी। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।